नमस्कार दोस्तों, आपको एक बार फिर से स्वागत है मुखर्जी नगर के नंबर वन फिजी रिलेटेड यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट सेवियर पे। दोस्तों आज हम आप लोगों को एक नए पीजी दिखाने जा रहे हैं जो कि हाल ही में ओपनिंग हुआ है। कल ये पीजी ओपनिंग हुआ है। अभी एक ही रूम में स्टूडेंट्स है यहाँ और सारे रूम्स खाली है, तो आप यहाँ पे रूम ले सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। नए पीजी में रहने का मज़ा ही कुछ और है। आपको नए पीजी में क्या होता है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है और जो भी चीज़ें हैं मतलब रहने में मन लगता है क्योंकि सारे कुछ नया होता है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं इस पीजी में किस टाइप्स का रूम्स है और कैसा स्पेस है, बाकी जो भी एनवायरनमेंट है आप लोगों को अंदर से दिखाते हैं। आइए आइए मेरे साथ अंदर की तरफ। और सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साइड में जो है केबिन टाइप्स का रूम्स भी है जो कि एल्युमिनियम की है। तो आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को ये वाला रूम। रूम का डेकोरेशन काफ़ी मतलब हाई क्वालिटी के है, आप देख सकते हो। इस साइड में बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन की ये वॉल दिया गया है, इस साइड में भी वॉल है और आप देख सकते हो ये सामने जो है ये एल्युमिनियम का है, ठीक है। और नए नए पेंटिंग हुआ है, नए रूम है, खिड़की वगैरह है। आइए पीछे की साइड में और यहाँ आपको दिखा देते, वाईफाई है, वाईफाई लगा हुआ है क्योंकि इस पीजी में जो है आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। वाईफाई, आरओ वाटर, तीन टाइम खाना पीना, रूम के अंदर फर्नीचर वगैरह, फिर डेली क्लीनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ अवेलेबल है। ये जो रूम है आप देख सकते हो, ये भी आई का सिंगल रूम है प्रॉपर, ठीक है। और इसमें आप गद्दा भी देख सकते हो, नए नए गद्दा लगे हैं, बहुत ही मोटा गद्दा है, कम्फर्टेबल ये गद्दा है आप देख सकते हो। और सामने अब देख रहे होंगे खिड़की भी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत सारे पीजियों में क्या होता है ना, खिड़की नहीं रहता है तो लड़कों का बहुत डिमांड होता है, हमारे पास मैसेज करते हैं कि खिड़की वाली रूम चाहिए ताकि सफोकेशन ना हो और घुटन सी होती है। तो इस पीजी में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि नया पीजी है, आप लोगों को डायरेक्ट लाइव हम दिखा रहे हैं कि इसमें खिड़की वगैरह है और वेंटिलेशन की प्रॉपर ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हो ऊपर पूरी जो स्पेस है ना वो वेंटिलेशन के लिए रखा गया है, जाली लगा दिया गया है ताकि हवा क्रॉस कर सके। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं, उस साइड में आपको दिखा देते हैं वॉशरूम और किचन वगैरह कैसा है। और क्योंकि नया पीजी है इसमें क्लीनिंग तो है ही और बहुत ही बढ़िया ये पीजी है। और ये होगा किचन, ठीक है। खाना तो आपको मिल जाएगा बना बनाए, लेकिन फिर भी आप कुछ एक्स्ट्रा बनाना चाहो, मैगी वगैरह या फिर कुछ भी आप हल्का फुल्का बनाना चाहो तो आप किचन, इस किचन का आप यूज़ कर सकते हो। इस साइड में एक और रूम है, इस रूम को भी हम देख लेते हैं। और इस रूम में आप देख रहे होंगे तीन तीन टेबल रखे गए हैं, अभी तक सेटअप नहीं किया गया है, जैसे ही स्टूडेंट्स आ जाएंगे ये सेटअप करके दिया जाएगा। इसमें बेड भी लगा हुआ है एक, हमें पता नहीं ये डबल शेयरिंग होगा या सिंगल रूम होगा, जो भी होगा आपको इसमें फुल फर्नीचर मिल जाएंगे, ठीक है। चेयर, टेबल, बेड्स और अलमीरा तो आप देख ही रहे होंगे, इतनी बड़ी अलमीरा है ना, इसमें आप सारे सामान रख सकते हो जितना भी आपके सामान वगैरह हो डेली यूज़ के। चलिए हम अलमीरा खोल के दिखा देते हैं आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा कितना स्पेस है अलमारी के अंदर, है ना। ये देख लो अलमीरा, ये क्लीनिंग हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ओनली यही है, ऊपर भी लगा हुआ है। इस साइड में हैंगर है, अपने जो भी मिनिमम कपड़े वगैरह होंगे, ठीक है, आप यहाँ रख सकते हो। ऊपर वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन एक बार दिखा दीजिए, हाँ बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन की स्पेस रखा गया है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। हाँ इस साइड में भी वेंटिलेशन है। और ये जो है ना ये बालकनी साइड है, ये बालकनी साइड है, यहाँ सामने स्पेस भी है, बालकनी है, यहाँ जाके आप कभी कभार आप बोर हो जाओ तो वहाँ जाके खड़ा होकर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, बाहर का नज़ारा देख सकते हो। और यह हम एक बार वॉशरूम देख लेते हैं, इस साइड में वॉशरूम भी है, हाँ इस साइड में वॉशरूम है। और बेसिन लगा हुआ है, ये बेसिन है सामने और बेसिन के पीछे ही वॉशरूम है। और देखो कितना स्पेस है, एक रूम जैसा ही वॉशरूम है। इसमें इंडियन टाइप टॉयलेट है और सिंक वगैरह दिया गया है। तीन तीन टैप लगा हुआ है, टैप दिखा देना एक बार भाई, हाँ तीन तीन टैप लगा हुआ है। ये देखो वेंटिलेशन है इसमें भी, है ना, और प्रॉपर बल्ब लगा हुआ है, ड्रेसिंग ग्लासेस है,
बहुत ही बढ़िया है यहाँ का, मतलब सारे कुछ नया है और सारे कुछ एकदम सुपर है, फर्स्ट क्लास। हाँ, इस साइड में एक और रूम है, इस साइड में एक और रूम है, ठीक है, ये भी डबल शेयरिंग रूम है। हाँ, आप देख लीजिए, दो दो अलमीरा है, मतलब एक बंदा के लिए एक अलमीरा है ना। इस साइड में भी एक है। अब तो आप इसका यूज़ तो कर ही सकते हो, ऊपर जो रखा गया है उसका भी यूज़ करोगे, है ना, कुछ भी सामान रख सकते हो। और ये देखो नया नया गद्दा है, आपको चैन की नींद आएगी, कुछ दिन आप बढ़िया नींद ले सकते हो। और ये देखो, ये बॉक्स बेड है, इस बेड के मतलब अंदर भी आप सामान रख सकते हो, है ना, काफ़ी सामान रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इस साइड में वेंटिलेशन है, ये पूरा मतलब हर एक रूम में वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेटेड ये सारे रूम्स है। और लाइटिंग से लेकर कलर तक, लाइटिंग कलर्स सब कुछ मतलब देखने लायक है, आप देखते रह जाओगे। और एक बार इस पीजी में अगर विजिट करोगे ना आप, तो मतलब आपको एक बार देखते ही पसंद आ जाएगा और आप रहने लगोगे, आप जाना नहीं चाहोगे, क्योंकि ऐसा ही ये रूम है। हमें भी मतलब एंट्री करके लगा नहीं कुछ है इस पीजी में, आप अगर यहाँ आओगे सही में आपको पता चल जाएगा, नहीं ये पीजी बहुत बढ़िया है। तो आइए, अभी एक और रूम है इस साइड में, इसी रूम के बगल में, जिस रूम में अभी दो दो भाई रह रहे हैं, वो लोग अभी आए हैं हाल ही में, हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। आइए आप लोगों को इस रूम का भी कंडीशनिंग दिखा देते हैं। तो ये जो रूम है ये भी एक डबल शेयरिंग रूम है, इसमें अभी ये देखो उन लोगों का वो है, सामान वामान रखे हुए हैं, थोड़ी देर पहले आए हैं, ठीक है। तो अभी हम उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। इस साइड में दो दो बेड है। और इस रूम का एक मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये अटैच्ड वॉशरूम है, इन लोगों को मिल गया है बहुत ही बढ़िया एक रूम, अटैच्ड वॉशरूम है। और बाकी काफ़ी अच्छी खासी ये रूम है, आप देख सकते हो, कलर है, लाइटिंग है, वेंटिलेटेड ये रूम है, बहुत ही बढ़िया है जी। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नाम क्या है आपका? प्रभाकर परिडा। अच्छा, कहाँ से आप? मैं तो उड़ीसा से हूँ। यहाँ कब आए आप लोग? मैं तो एक साल हो गया। अच्छा, मुखर्जी नगर में एक साल हो गया। मुखर्जी नगर में एक साल। हाँ, इस पीजी में? इस पीजी में आज अभी आया हूँ, दो घंटे पहले आया हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के यहाँ आए आप लोग? यहाँ पे क्या ना, रूम भी बड़ा है, साफ सुथरा है, वेंटिलेटर वगैरह भी है, अटैच लाइटिंग बाथरूम मिल रहा है, पैसा के हिसाब से भी सही है। अच्छा अच्छा, तो आगे। तो मतलब आपके और भी एक पार्टनर होगा, वो कहाँ से? मेरा जो पार्टनर है, रूम पार्टनर है, वो गोरखपुर से है। अच्छा, यूपी से। वो हमारे दूसरे पीजी से रहते थे, वहाँ पे शिफ्ट किया आज। अच्छा, दूसरे पीजी में दोनों एक ही साथ रहते थे, फिर दोनों एक ही साथ इस पीजी में आ गए। जी जी। अच्छा, यहाँ अभी रूम खाली है इस पीजी में? रूम तो खाली है, लेकिन पता नहीं मुझे कौन सा बुकिंग है कौन सा नहीं है। हाँ, वो तो है, दो चार रूम खाली होगा। खाली तो होगा। जो भी न्यू एक्सपीरियंस है, अगर कोई एक्सपीरियंस है आना चाहे, जैसे आप लोग आ गए हो सर्च करके, है ना, कैसे भी हो, तो कोई न्यू स्टूडेंट्स आना चाहे तो उनके लिए सही रहेगा इस यहाँ पीजी लेना लेने में? हाँ, सही रहेगा, क्योंकि हम तो आए हैं पीजी सही देख के आए हैं। हाँ, सही देख, रिकमेंड भी करेंगे कि सही होगा। आइए, देखिए, रहिए, फिर पता लगेगा क्या नहीं है क्या नहीं। अच्छा, अगर डिस्टेंस की बात करें तो बत्रा से यहाँ तक कितने डिस्टेंस है? 800 मीटर के आसपास होगा। 800 मीटर है ना। हाँ, तो पैदल आ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, पैदल आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोचिंग जो बड़े बड़े कोचिंग है यहाँ पे, यहाँ से 500 मीटर के आसपास कोचिंग, वहाँ पे ऑफिस रहता है इनका, कोचिंग सेंटर इधर चलता है सारा, इधर ही चलता है, परमानंद साइड या फिर इधर ही इंदिरा विकास साइड, है ना। सही है, फिर उस हिसाब से सही है। ठीक है भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इस पीजी का हमने रूम्स वगैरह आप लोगों को दिखा दिए हैं। जिनको भी रूम्स चाहिए, जिनको भी पीजी चाहिए, जो सर्च कर रहा है पीजी रूम्स फ्लैट्स के लिए, स्टूडेंट्स बहुत भटकते हैं मुखर्जी नगर में, और इसलिए हम क्या करते हैं कि पर डे के हिसाब से डेली एक ना एक नए पीजी का, नए बिल्डिंग का वीडियो बनाते रहते हैं लोकेशन वाइज, ताकि आप लोगों को पीजी सर्च करने में कोई भी परेशानी ना हो। हमारे चैनल पे अभी 450+ वीडियोस पड़े हैं जो कि पीजी रूम फ्लैट का है, आपके लिए वहाँ ऑप्शंस रखे गया है, आप सारे वीडियोस चेक करके अपने हिसाब से आप कोई भी एकोमोडेशन चूज़ कर सकते हो। यहाँ दोस्तों, जो केबिन वाले रूम है, जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर सिंगल रूम है, वो है 6,000 पर मंथ, उसमें सारी फैसिलिटीज इंक्लूडेड है। जो डबल शेयरिंग रूम हमने आप लोगों को दिखाया है अटैच वॉशरूम के साथ, उसका पर बेड 6,500 है,
और जो ट्रिपल शेयरिंग है, क्रोम है, ट्रिपल शेयरिंग का पर बेड 5,500 रुपये रेंट है और उसी में सारे फैसिलिटीज इंक्लूडेड है। आपको एक भी रुपये चार्ज आपको अलग से नहीं देना है, आपको बस पर मंथ जो रेंट है वही देना है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पीजी में 2-4 दिन में एसी भी लगने वाला है, एसी लग जाएगी तो उसमें आपको और भी बेनिफिट हो जाएगी। आप मतलब इसी रेट में एसी का भी मज़े ले सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में बिल नहीं है ना, एसी का बिल भी आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। तो आप इस पीजी को चूज़ कर सकते हो। आप मुखर्जी नगर में आ रहे हो, एक बार इस पीजी को ज़रूर विजिट कीजिए, उसके बाद ही आप दूसरे पीजी में ट्राई कीजिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।